धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंदौर के लिए उन्होंने MBBS की सीटें बढ़ाई, MD की भी सीटें बढ़ाई है, PG की, और इसके साथ साथ हमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी इंदौर को दिया है जो उसकी 200 किलोमीटर के रेंज के सभी मरीज वहाँ आते हैं। मैं उस हॉस्पिटल में एक मांग ऐड करना चाहता हूँ कि जो नया हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट बना है उसमें हमको कैंसर इलाज के लिए एक अलग यूनिट होना चाहिए, जो कैंसर लीनियर मशीन की आवश्यकता बहुत पड़ रही है, और दूसरा ट्रामा सेंटर, जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो सब इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र के एक्सीडेंट के केस है वो इंदौर में आते हैं, तो एक ट्रामा सेंटर भी उसमें बनना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप इंदौर में 2.5 लाख लोगों का किया, जब ये हेल्थ चेकअप किया गया तो उसमें बहुत आश्चर्यजनक और चिंताजनक नतीजे सामने आए। 48% लोग अपने आप को जो फिट समझते हैं उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, उसको लेके हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर क्या सरकार कोई नीति बना रही है क्या? इसमें एक नीति बनानी चाहिए, इसमें मेरा ऐसा कहना है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।